चलो प्रोजेक्ट, इसमें दो चीजें हमें करनी थी। एक तो ये करना था, नॉर्मल वाले प्रोजेक्टाइल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था। जैसे बाकी सारी चीजें तो हम लोगों ने कर ली थी। इसमें एक छोटी सी चीज ये होती है कि दो प्रोजेक्टाइल्स प्रोजेक्टेड एट, पहला वाला थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ वेलोसिटी यू, ठीक है, और दूसरा प्रोजेक्टाइल विथ सेम वेलोसिटी बट अ डिफरेंट एंगल, एंड दैट डिफरेंट एंगल इज गोइंग टू बी लेट फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस एंगल पर अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, इन दोनों केसेस में इनका रेंज जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द सेम। तो सेम वेलोसिटी से बट टू डिफरेंट एंगल्स, दोनों डिफरेंट एंगल्स का वैल्यू क्या होगा? जैसे एक 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो जो रेंज होगा वही 60 डिग्री वाले का भी रेंज होगा, बट मैक्सिमम हाइट जो होगा दोनों का वो डिफरेंट हो। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे बट एंगल डिफरेंट होगा, एंड वो डिफरेंट एंगल्स जो होंगे दे आर गोइंग टू बी रिलेटेड एज द टू एंगल्स थीटा एंड फाइ विल बी सच दैट थीटा प्लस फाइ शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स दे शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हाँ, लिख के दे रहा हूँ। कर सकते हैं ना? इलेक्ट्रॉनिक पहला वाला ये फिर से फाई पर गिरेगा और ये वाला थीटा पर गिरेगा। स्पीड भी दोनों की सेम रहेगी, ये यू से गिरेगा और ये यू से गिरेगा, डिफरेंट एंगल्स रहेंगे सिर्फ। सो अभी पॉइंट क्या है, टू प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च्ड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम इनिशियल वेलोसिटी बट टू डिफरेंट एंगल्स
एंड फाई विल हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज इफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री और फाइव इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक इसके बाद एक्चुअली क्वेश्चंस की चीजें होती हैं। जैसे एक चीज ये हो सकता है कि सपोज दो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया सेम इनिशियल पोजीशन से, हमें ये बोल रहा था। इसके आगे जो चीजें होती हैं जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने वाली होती हैं। अब कैसे क्या हो सकता है, जैसे दो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया मे बी विथ सेम वेलोसिटी और डिफरेंट वेलोसिटी फ्रॉम सेम पोजीशन एंड दे हैव टू बी एट डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एंगल पर होंगे वो, तो इट इज पॉसिबल दैट उनके कर्वीलीनियर पाथ मतलब उनका ट्रेजेक्ट्री जो है वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करे। इज इट पॉसिबल, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? देखिए दो प्रोजेक्टाइल्स को मैंने प्रोजेक्ट किया यहां से एट टू डिफरेंट एंगल्स। पहला वाला ऐसे प्रोजेक्ट किया मैंने, ठीक है, और दूसरा वाला इस तरीके से किया। सो जो ये इस तरीके से किया ग्रीन वाले को, ये इस तरह का ट्रेजेक्ट्री लेकर के ठीक है आ जाएगा। ब्लू वाला जो है इसकी ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट हो सकती है, मतलब डिफरेंट हो क्या सकती है, डिफरेंट होगी बाय डिफॉल्ट। एंड इट मे गो लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस कर रहे हैं। दिस मोमेंट इज गोइंग टू कम आफ्टर टी सेकेंड सपोज, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में दोनों क्या होंगे, सेम डिस्टेंस चलेंगे। पहले वाले का U1 है, दूसरे वाले का U2 अगर है, दिस इज U1 एंड दिस इज U2, ये है थीटा या अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा, देन U1 cos अल्फा, दिस वुड बी इक्वल टू U2 cos बीटा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। टाइम से तो दोनों मल्टीप्लाइड रहेंगे, टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहना है। दूसरी चीज जो है इनका वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो भी सेम रहना चाहिए। आफ्टर टाइम टी द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शुड बी सेम, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड हैज टू बी सेम। तो सेकेंड इक्वेशन जो रहेगा इनका वो कुछ इस तरह का रहेगा, U1
साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू यू टू साइन अल्फा साइन बीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कैंसिल हो गया. सो यू वन साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू यू टू साइन बीटा, ठीक है. तो यू वन कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू टू कॉस बीटा एंड यू वन साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू यू टू साइन बीटा. और किसी एक को दूसरे के टर्म्स में रख देते हैं, वी कैन सॉल्व इट फॉर लाइक यू वन यू टू हमको पता रहेगा, अल्फा बीटा पता रहेगा, या अल्फा पता रहेगा बीटा ढूंढना रह सकता है, एक चीज ये हो सकती है. दूसरा चीज, अल्फा बीटा दोनों पता है तो टाइम ढूंढने के लिए दे देंगे, किस टाइम पर या एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ये अर्थ सरफेस दे आर गोइंग टू कोलाइड, ठीक है. सो वो पैरामीटर्स हम इन वैल्यूज के बेसिस पर निकाल लेंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमको पता रहेंगे. आर वी गेटिंग दिस थिंग? हाँ, टाइम के लिए ये वैल्यूज तो हमको पता रहेंगे, ये रिलेशंस हमारे पास रहेंगे. हाँ, y इज इक्वल टू यू कॉस, मतलब ये इंडिविजुअली जो रहेगा उसको y बना करके और रिलेट करेंगे. अगर देखो यू टू साइन बीटा दोनों पता है, यानी बीटा एंगल और यू टू दोनों पता है मुझे, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ का मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो वी कैन फाइंड इट आउट, ठीक है ना. अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे. तो करेंगे कि नहीं करेंगे के लिए ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है. अगर सेटिस्फाई हो रहे, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए. अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर करेगा, नहीं हो रहा है तो नहीं करेगा. यानी अब ऐसा भी हो सकता है U2 बहुत बड़ा ना हो, U2 छोटा हो, वैल्यू छोटी हो, तो इसकी ट्रेजेक्टरी जो होगी इसके रेंज से छोटी रहे पहले वाले के. तो अगर छोटी रहेगी तो फिर नहीं करेगा कभी कोलाइड, ठीक है. तो कोलाइड करेगा नहीं, तो ये इक्वेशन फॉर्म ही नहीं हो पाए. मेकिंग सेंस? क्लियर है? ठीक है. और नेक्स्ट इसमें, हाँ, एक चीज और रहता है. सपोज हम कोई एक प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से थीटा एंगल पर विथ स्पीड यू. अब इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है मेरी इस तरह से रहेगी, ठीक है. और यहां पर एक इंक्लाइन डाल दिया मैंने इस तरीके का, और आपसे पूछ लिया कि ये बताइए कि इंक्लाइन को किस जगह पे हिट करेगा. हिट करेगा भी कि नहीं करेगा, क्रॉस कर जाएगा, ठीक है. तो अब हम एक्सप्रेशंस क्या क्या लेंगे. ये मेरा एक्स है, प्रोजेक्टाइल अपने मोशन में यहाँ पर इस पॉइंट पे हिट करेगा कि नहीं करेगा, या किसी भी ऐसे पॉइंट पर हिट करेगा कि नहीं करेगा. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो हिट करने के लिए कंडीशंस क्या क्या होगा. पहला, ये एक्स जो है मेरा, दैट इज यू कॉस थीटा,
u cos थीटा t इज इक्वल टू, सॉरी u cos थीटा t इज इक्वल टू x, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला पोजीशन जहां पे हिट करने वाला, ठीक है। हाँ, और ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट रहेगा इसका, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी, सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट या हाइट अबव द ग्राउंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। और x और y हमारे पिछले वाला एक्सप्रेशन जो है उससे रिलेटेड रहेंगे। ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, x और y के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है। तो वेदर इट इज गोइंग टू हिट और नॉट विल बी डिसाइडेड बाय द फैक्ट दैट जो भी मेरा इंक्लाइन का या तो लेंथ दिया हुआ हो, और एंगल तो दिया ही रहेगा, एंगल ऑफ इंक्लाइन दिया रहेगा, और दूसरी चीज जो दी रहेगी हमको उस या एक तो हाइट दिया रह सकता है, या फिर आपका और विड्थ जो है इंक्लाइन का वो दिया रह सकता है, ठीक है। अगर जज करना है कि उस पर गिरेगा कि नहीं, या फिर सिर्फ अगर एंगल दिया है तो पूछेगा कि किस जगह पर गिरे। हाँ, ये वाला विड्थ है ऑफ इंक्लाइन और ये वाला हाइट है। क्या हुआ? नहीं, होल हाइट देंगे ना। अगर वो पूछ रहे हैं कि आपका किस मतलब इंक्लाइन पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ठीक है, उस केस में होल हाइट देंगे, सो दैट आपके पास लेंथ पैरामीटर भी रहे। लेंथ मतलब ये वाला विड्थ पैरामीटर बेसिकली रहे, ये दिया रहेगा तो दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय टैन थीटा, या दिस हाइट बाई कॉट थीटा, हाइट इंटू कॉट थीटा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू वाई कॉट थीटा, ठीक है, या फिर वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, ठीक है। दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, मतलब एक तो थीटा दिया रहेगा, फिर ये दिया रहेगा, या फिर ये दिया रहेगा, सच। आप कोलाइड करने के लिए, इस पर गिरने के लिए हमको क्या चाहिए पैरामीटर, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? साइन मेरा रियल होना चाहिए पहली चीज। अरे मतलब इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, उसमें टाइम की वैल्यू रियल आनी चाहिए, या फिर एक एक्सप्रेशन ये रहेगा, एक एक्सप्रेशन ये रहेगा, इन दोनों से ही एक्चुअली मिल करके ये चीजें आई हैं हमारी, ठीक है। मैक्सिमम वाई की वैल्यू क्या है वो हमको पता है, मैक्सिमम हाइट जो है वो हमको पता है, तो वाई की वैल्यू रख देंगे और एक्स के लिए सॉल्व करेंगे पुटिंग दिस थीटा एंड दिस यू। एक्स अगर रियल आता है तो यस इट विल कोलाइड, एंड कहाँ कोलाइड करेगा पता चल जाएगा हमको, ठीक है। y मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, y के लिए सॉल्व करते हैं अगर हम गिवन u एंड थीटा की वैल्यूज डाल करके, तो x टू बी रियल, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब हाँ इंक्लाइन पर गिरने वाला है, ये पक्का हो गया। अब कहाँ गिरेगा इसको सॉल्व करने के लिए, और मुझे फिर से ये वाले एक्सप्रेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है, एक्स कॉस थीटा, एक्स और वाई के रिलेशन पर। एक सेकेंड, मैं बता रहा हूं।
करता है. देखिए, एक्स और वाई के बीच में दो रिलेशनशिप रहेंगे. पहला रिलेशनशिप हमारा ये प्रोजेक्टाइल वाला रिलेशनशिप है, ठीक है. और दूसरा रिलेशनशिप जो है वो यहां से आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू वाई कॉट थीटा या वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा. तो एक्स टैन थीटा को हम यहां पे रख लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. ये कैसे हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ. अरे ओहो, थीटा पे मैंने प्रोजेक्ट किया है और ये वाला एंगल अल्फा है. आई एम सॉरी. हाँ, तो ये कॉट अल्फा हो जाएगा अभी वो. हाँ, अभी इक्वेशन बन जाएगा और इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. यहां पर वाई इज इक्वल टू एक्स टैन अल्फा लिख लेंगे. दिस पर्टिकुलर थिंग, एक्स इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन रहेगा और दूसरा सॉल्यूशन एक्स का एक और आएगा, तो वो एक्स आ गया. और उसको इस इक्वेशन में पुट करके आई कैन गेट वाई की वैल्यू. इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? दो इक्वेशन कहाँ से मिला, एक ट्रेजेक्ट्री वाला इक्वेशन और दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई ऑन वेज या इंक्लाइन प्लेन, ठीक है. ये बात क्लियर हुई? तो ये दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं जो रह गई थी नॉर्मल वाले प्रोजेक्शंस में करने के लिए. अब नाउ आई विल बी कमिंग टू इंक्लाइन प्लेन. अच्छा, ये वाली चीज इंक्लाइन प्लेन वगैरह से भी सॉल्व हो जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, अब इंक्लाइन प्लेन में पहले डिस्क्लेमर एक छोटा सा. देखिए, रिकॉर्डिंग. ये मेरा एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन का एंगल है अल्फा, ठीक है. और इंक्लाइन प्लेन पर खड़े होके या इंक्लाइन प्लेन के बेस पे रह के आई एम डूइंग अ प्रोजेक्शन, ठीक है. इस तरीके से विथ इनिशियल वेलोसिटी यू. अब ये एंगल जो मेरे प्रोजेक्शन का है, दैट कुड बी विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल और विथ रेस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है. दो तरीके से वैल्यू मुझे मिल सकती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये लेता हूं कि माई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज बीटा विथ रेस्पेक्ट टू ये इंक्लाइन प्लेन. तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरा एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा. इज दैट ओके? सो कौन सी वैल्यू आपको मिली हुई है उसके हिसाब से फाइनल एक्सप्रेशंस जो होंगे उसमें आप मैनिपुलेशन करोगे. तो अभी फिलहाल हम क्या ले रहे हैं, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा इज विथ रेस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सप्रेशन.
तो यू के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स रहेंगे, द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी यू एंगल बीटा विथ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, नहीं अभी नहीं भेज पाऊंगा, कल भेज पाऊंगा, नहीं तो तुम लोग बैठो यहां पर 10 मिनट, ये सेव हो जाता है, फिर अपलोड करके निकलोगी तो चलेगा। ठीक है, हाँ वो मैं बता दूंगा। हाँ नहीं कुछ नहीं करना है, उसमें नाम डालना है और उसको सेव कर देना, एक्सपोर्ट नहीं करना ये डॉक्यूमेंट, नहीं वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड करना है, लॉगिन वगैरह सारा इसमें रहता है मेरा ऑलरेडी। नहीं जूम से डाउनलोड भी नहीं करना होता है। सी यहां पर बंद जैसे ही मैं करूंगा ना, बात ये क्या मैं बता देता हूं, देखो जब मैं बंद करके जाऊंगा जूम को, सो वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व अलोंग प्लेन ऑफ सॉरी अलोंग इंक्लाइन प्लेन, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन एंड अलोंग इंक्लाइन प्लेन, अलोंग इंक्लाइन प्लेन वाला कंपोनेंट यू कॉस बीटा एंड परपेंडिकुलर टू द एंड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन यू साइन बीटा। ठीक है, द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑल्सो बी रिजॉल्व अलोंग इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन क्या रहेगा कंपोनेंट इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, अलोंग वाला क्या रहेगा, सो इट इज लाइक दिस ना, ये जी है इनफैक्ट माइनस जी, ये माइनस जी है, एक ऐसे आएगा, ठीक है, और दूसरा ऐसे आएगा, तो ये अगर एंगल बीटा है तो ये एंगल 90 माइनस बीटा और ये एंगल बीटा रहेगा, तो बीटा अगर ये एंगल है तो दिस विल बिकम माइनस जी कॉस थीट कॉस बीटा, जी कॉस
कॉस बीटा, ये वाला एंगल बीटा रहेगा और ये वाला, एक सेकेंड होगा, थोड़ा कलर कोडिंग चेंज करता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आया। सिंपली डू दिस। क्या हुआ, 1 बज गया क्या? कॉस बीटा और अलोंग वाला जो है, दिस विल बिकम माइनस जी साइन बीटा, इज दैट ओके? और वेलोसिटी वाले जो दो कंपोनेंट्स थे वो कुछ इस तरह के आ जाएंगे हमारे, एक अलोंग वाला जो हमने लिख रखा है ऑलरेडी, दिस विल बी लाइक दिस, यू कॉस बीटा एंड दिस विल बी यू साइन बीटा, ठीक है? माइनस जी कॉस बीटा, नहीं सॉरी, जी साइन बीटा, माइनस जी साइन बीटा, अलोंग इनक्लाइन है ना? हाँ, जी साइन बीटा परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन प्लेन एंड विल बी माइनस जी साइन, और सॉरी कॉस बीटा, माइनस जी कॉस बीटा, ठीक है? नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे, तो द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन विल बिकम, पहला अलोंग वाला लिख लेते हैं, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन को अगर मैं एक्स कंपोनेंट लेता हूं, ठीक है, एक्स विल बी इक्वल टू अलोंग इंक्लाइन, दिस विल बिकम इक्वल टू यू कॉस बीटा टी, यू कॉस बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन बीटा टी स्क्वायर, 12th इक्वेशन। वाई परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन दिस इज गोइंग टू बी यू साइन बीटा टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर, ट्वेल्थ एंड एक्स एंड वाई आर गोइंग टू बी रिलेटेड एज, आई मीन अगेन हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, इसको लैंड करना है ऑन द दिस थिंग, क्या बोलते हैं,
इस पॉइंट पे हमको लैंड करना है, किसी भी एक पॉइंट पे लैंड करना है। हाँ, इंक्लाइन प्लेन पर मुझे लैंड करना है। टाइम टाइम की में ओके सॉरी ओके इंक्लाइन प्लेन पर लैंड करने के टाइम पर सी एक्चुअली मैंने अपने एक्सिस को चेंज किया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आई हैव टेकन दिस प्लेन एज माय हॉरिजॉन्ट आई मीन द हाइपोटेनियस ऑफ द इंक्लाइन। इंक्लाइन प्लेन का जो क्या बोलेंगे उसको, इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लाइंड पोर्शन है, स्लोप पोर्शन, स्लोपी पोर्शन, उसको हमने अपना हॉरिजॉन्टल मान रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड अकॉर्डिंगली सारी चीजों को उसके अलॉन्ग रिजॉल्व किया है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग विल बी जीरो। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, सारी चीजें इसके अलॉन्ग या इसके परपेंडिकुलर मैंने कर लिया है, और यहां से मैंने प्रोजेक्ट किया, जब ये यहां पर गिरेगा तो ये प्लेन पर फिर से आ गया है। प्लेन पर आ गया है तो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे वाई था, तो ये कंपोनेंट जीरो हो गया, ठीक है ना? दिस मींस एट टाइम ऑफ लैंडिंग माय वाई हैज टू बी जीरो, ठीक है? सो वाई शुड बी इक्वल टू जीरो। अब वाई इक्वल टू जीरो के लिए टी के दो पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे, वन टी इज इक्वल टू जीरो एंड दूसरा जो टी आएगा वो मेरा टाइम ऑफ लाइट होगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है ना, वही मेरा टाइम ऑफ लाइट हो जाएगा, और वो टाइम ऑफ लाइट की कैलकुलेट करके मैं एक्स वाले इक्वेशन में डालूंगा तो मुझे रेंज आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इंक्लाइंड वाले प्रॉब्लम्स अगर इस तरह के रहेंगे तो उसमें हमारा वाई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जीरो होगा, तो लैंड कर गया इंक्लाइन पर, ठीक है? और उसमें जितना टाइम लगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया, इक्वेटिंग वाई इज इक्वल टू जीरो, पहले वाले इक्वेशन में डालूंगा तो रेंज मिल जाएगा, ठीक है ना? तो क्या हुआ अनन्या, एवरीथिंग ऑल राइट? गड़बड़े कुछ? ठीक, पक्के से ना? टाइम ऑफ लैंडिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट टाइम ऑफ लैंडिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन वाई विल बी इक्वल टू जीरो एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम प्लेन विल बी जीरो दैट इम्प्लाइज जीरो, दैट इम्प्लाइज जीरो इज इक्वल टू फोर वाई इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 13, दैट इम्प्लाइज जीरो इज इक्वल टू यू साइन बीटा टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू टू यू साइन बीटा बाय जी कॉस बीटा दैट इज टू यू अपॉन जी टैन बीटा।
नाउ दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट दिस कैन बी रिटन एज 14th इक्वेशन पुटिंग टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम फोर्टीन टू इक्वेशन 12 वी गेट एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे 12 लिखना है ना, 2 इज इक्वल टू यू कॉस बीटा टी, यू कॉस क्या कर रही है टी के बदले, यू टू यू टैन बीटा बाई जी माइनस हाफ जी साइन बीटा, जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर दैट इज 4u² टैन स्क्वायर बीटा अपॉन जी स्क्वायर, तो जी जी कैंसिल होगा, ये 2 2 यहाँ पर साइन बीटा बचेगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर बाई कॉस बीटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, साइन क्यूब बाई कॉस स्क्वायर और इधर साइन बीटा बच रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, एक सेकेंड, यू कॉस बीटा टी ठीक है ठीक है, देख लेते हैं, अब नहीं गड़बड़ नहीं हो रहा, वो आ सही रहा है। एक्स इज इक्वल टू दिस इज 2u² 2u² साइन बीटा अपॉन जी माइनस 2u² साइन क्यूब बीटा, साइन क्यूब बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, दिस विल बिकम 2u² अपॉन जी, दिस विल बिकम वन स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, साइन बीटा इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा, 10 स्क्वायर बीटा विल बिकम कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस 2 बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा, हाँ अभी सही हो, ठीक है, सो 2u² साइन बीटा इंटू कॉस 2 बीटा नहीं, एक सेकेंड, कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया है यहाँ पे हम, सॉरी, इसमें अल्फा आना चाहिए, दिस वुड बी साइन बीटा एंड कॉस अल्फा होना चाहिए, सॉरी ये एंगल अल्फा होगा, इसके परपेंडिकुलर लिया है और इसके अलोंग लिया है तो ये एंगल अल्फा हो जाएंगे, तो
इसलिए सब गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, -3। ठीक है, रीजन समझ में आ रहा है ना? सर करेक्टेड, यहां पर भी बीटा बीटा लिख दिया है तो ध्यान नहीं आया। दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा। ये मैं फटाफट अब सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा, यहीं पे रोक है, अदरवाइज आई विल गेट यू। आई थिंक लेट तो हो गया हूं मैं। आई हैव टू कैच अदर ट्रेन। ये साइन बीटा ठीक है, यहाँ पे कॉस अल्फा है, और यहाँ पर साइन बीटा बाई टैन होगा नहीं। हाँ ये वाला रहेगा, दिस विल बी टाइम ऑफ लाइट, और इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो टू यू साइन बीटा जी कॉस अल्फा, और टू यू साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये साइन क्यूब बीटा अब इधर वाली चीजें सॉल्व करने में तुम लोग, दिस इज नॉट करेक्ट। और इसमें एक्सप्रेशन जो आएगा ना, वो डिपेंडिंग अपॉन एंगल कौन सा लिया है, इसमें एक वो कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला फिर अप्लाई होएगा, और कंपाउंड एंगल वाले से बीटा माइनस कॉस या साइन बीटा माइनस अल्फा के फॉर्म में है। ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको करा दूंगा, एक्सप्रेशन डिराइव कर।